सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के अंदर वंदा बनाने वाली है उसका और मेरा फेवरेट बेसन के चिले। उसके ऊपर हम लोग सेजवान चटनी लगाते हैं और पनीर को क्रम्बल करके डालते हैं। इतना बढ़िया टेस्ट आता है ना, वंदा आपको सारी रेसिपी बताएगी। हाँ जी, बेसन को घोल लिया है पानी डाल के, और ये हमारी शेजवान चटनी है, और ये हमारा पनीर को मैंने क्रम्बल कर लिया है। और मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन कौन से मसाले ऐड होंगे। ठीक, हाँ तो बताओ क्या क्या ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि हम शेजवान चटनी भी डालेंगे ना, तो कुछ डालो ना डालो चल जाता है। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, बस इट। बस हाँ, मिक्स करो। तवा हमने गर्म होने के लिए रख चुके हैं, आप इसके। हाँ जी गाइस, तो हम चीला बना रहे हैं। वंदा ने तवा के ऊपर ऑयल डाल के उसको अच्छे से गर्म कर लिया है, एंड अब ये बेसन का बैटर इसके ऊपर फोल्ड करेगी। घुमाओ भी, घुमा भी दिया। कब तक पकना है इसने? यार दो तीन मिनट तो लगता ही है। तो वंदा ने इसको दोनों साइड से अच्छे से पका लिया है। देखो एकदम मस्त पक चुका है। नाउ वी आर हैविंग शेजवान चटनी। और अगर किसी को ऐड नहीं करनी तो आप टोमेटो केचप ऐड कर लो, ग्रीन चटनी भी ऐड कर सकते हो, मेयो ऐड कर सकते हो, बट शेजवान चटनी से जो अच्छा टेस्ट आता है ना, वो किसी से नहीं आता। कई लोग होते हैं जिनको गार्लिक नहीं पसंद होता, तो वो लोग ना टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं इसे। और पता है कई लोग इसको ब्रेड में भी लगा के, मतलब जैसे बना लियो ना, फिर ब्रेड में ब्रेड के दोनों साइड टोमेटो केचप लगा, एक साइड ग्रीन चटनी लगाई, उसके ऊपर बेसन का चिला फोल्ड करके रख दिया। मैंने भी खाया है कमला नगर, टमाटर प्याज रख, सेम सेम कमला नगर में खाया है। हेलो, कमला नगर वाली बात नहीं है, मैं ऐसे ही बनाते हैं। अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे, क्रम्बल्ड पनीर ऐड करेंगे। ओके, मेरे को ना बहुत ही बेस्ट नाश्ता लगता है चीला, पता नहीं मुझे तो बहुत पसंद है। लाइट है, लाइट हो है या सो एंड बेल बजी है देख के। अब चीले को फोल्ड कर दिया है एंड प्लेट में सर्व करते हैं। प्लेट में यहाँ पे रखी है, मैंने ऑलरेडी एक बना लिया था वंदा ने, थोड़ा सा मैंने पालक पनीर भी टेस्ट करने के लिए लिया है। इसको हम खा के बताएंगे कि कैसा है। बढ़िया बनाया। तो लाइक शेयर subscribe and comment।